कोतवाली क्षेत्र के गांव गोमत में राशन डीलर की दुकान पर उपभोक्ताओं और डीलर के समर्थकों में विवाद होने पर पहुंची पुलिस। राशन की दुकान पर हंगामा की सूचना मिलने पर एक चैनल के पत्रकार लक्ष्मण राघव ने पहुंचकर हंगामे की कवरेज की, जिससे राशन डीलर के समर्थकों ने उत्तेजित होकर पुलिस के सामने ही पत्रकार को भद्दी गालियां देते हुए देख लेने की धमकी दी। पत्रकार ने जब गालियों का विरोध किया, उन्होंने जान से मारने की धमकी दे डाली। इस घटना से तहसील क्षेत्र के समस्त पत्रकारों में रोष व्याप्त हो गया। पीड़ित पत्रकार ने घटना की तहरीर नामजद लोगों के खिलाफ कोतवाली में दे दी है। पत्रकारों ने पुलिस और प्रशासन अधिकारियों से न्याय की मांग की है। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह यादव है। मैं जीजी न्यूज चैनल का रिपोर्टर हूँ। गांव मेरा गोमत है। आज सुबह लगभग 11 बजे के समथिंग 112 की सूचना पर 0735 राशन उपभोक्ता की शिकायत पर आई थी, जहां PRB 0735 राशन डीलर नायदा बेगम की दुकान पर पहुंची, जहां सड़ा गला गेहूँ देने की और घटतोली की शिकायत भी की थी, जिसकी सूचना वहाँ पर पहुँची दुकान पर। तो जहाँ देखा गया तो उसके नायदा के बेटे को जब पकड़ा तो उसने पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की और हमारे साथ भद्दी गालियाँ और जान से मारने की धमकी दी, जिसमें हमने 5 लोगों के खिलाफ हमने ASP साहिबा को खैर कोतवाली में तहरीर दे दी है। अभी तक पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, कमाल और डॉक्टर मनु। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।